नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के साथ भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ और यह भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए निशाना साधा गया। वहीं पटना से बड़ी खबर है, जहां पर आर्थिक आपराधिक सर्वोच्च